चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इस साल 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए एमबीबीएस एडमिशन की लास्ट डेट आज 30 सितंबर 23 है। आज के बाद एमबीबीएस के लिए कोई किसी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं होगा, ये गाइडलाइन जारी की जा चुकी है पहले ही एमसीसी की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, यानी कि 30 सितंबर 2003 एडमिशन की लास्ट डेट होगी एमबीबीएस एडमिशन की। तो इसमें अभी हम देखते हैं तो सीटें तो काफी सारी वैकेंट रहेंगी। अभी वैकेंट इसलिए रहेंगी क्योंकि जो एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड था उसके साथ साथ ही स्टेट का भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड था, जबकि ऐसा होना चाहिए था एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होने के बाद ही स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो, जिससे कि कोई किसी प्रकार की सीट वैकेंट ना रहे। लेकिन ऐसा पहले वाले राउंड्स में भी होता रहा है। फर्स्ट राउंड के जस्ट बाद ही एमसीसी के फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट के फर्स्ट राउंड हुए हैं, एमसीसी के सेकंड राउंड डिक्लेयर होने के बाद स्टेट के सेकंड राउंड डिक्लेयर हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीसी का थर्ड राउंड डिक्लेयर होने के बाद स्टेट के भी थर्ड राउंड डिक्लेयर हो चुके थे, तो दोनों पैरेलल चल रहे थे। लेकिन ऐसा होता अगर एमसीसी का थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद स्टेट का थर्ड राउंड कंप्लीट होता तो ये सीटें वैकेंट नहीं रहती। चलो कोई बात नहीं है, थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद नहीं सही, लेकिन एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होने के बाद अगर स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होता तो ये सीटें वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। अभी सीट इस साल ब्लॉक काफी हुई है, इस साल को हम सीट ब्लॉक ईयर भी कह सकते हैं, सीट ब्लॉकिंग ईयर रहा है इस साल का। वो ऐसा रहा है क्योंकि स्टेट्स के भी पैरेलल में अलॉटमेंट थे और एमसीसी के भी पैरेलल में उसी राउंड के अलॉटमेंट थे, तो एक ही स्टूडेंट के पास दो दो सीटें होल्ड हो रही थी। इसकी वजह से ये सीटें आगे ट्रांसफर होती रही और रिजल्टेंटली एमसीसी का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड था स्टेट के भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड उस समय ही कंडक्ट हुए। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी स्टेट के स्ट्रे में भी स्टूडेंट के पास सीट है और उसी स्टूडेंट के पास एमसीसी के स्ट्रे की भी सीट उसके पास है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक सीट तो स्टूडेंट को छोड़नी पड़ेगी, या तो वो स्टेट की सीट छोड़े या फिर एमसीसी की सीट छोड़े। तो एमसीसी की सीट छोड़ेंगे तो एमसीसी में भी सीटें वैकेंट रहेंगी और स्टेट की सीट छोड़ेंगे तो स्टेट में भी सीटें वैकेंट रहेंगी। अभी स्टेट्स के पास भी समय नहीं बचा है आगे के राउंड कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे हम एक स्टेट का एग्जाम्पल ले लें, बिहार स्टेट का, तो बिहार स्टेट के मोपअप का आज रिजल्ट आने वाला है, तो ऑनलाइन जो राउंड होता है उसके अंदर सीटें वैकेंट रहती ही रहती हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होने वाले, स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वो सीटें वैकेंट होकर नेक्स्ट राउंड में आती हैं। लेकिन नेक्स्ट राउंड कंडक्ट करवाने के पास तो अभी समय ही नहीं बचा है, आज लास्ट डेट है 30 सितंबर 2003 एमबीबीएस एडमिशन की लास्ट डेट है, तो या तो इस डेट को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि अभी स्टेट के पास भी काफी सारी सीटें वैकेंट रहेंगी और एमसीसी के पास भी सीटें वैकेंट रहेंगी, क्योंकि एमसीसी के स्ट्रे में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है उनके स्टेट में सीट अलॉट हुई है, तो जो उनको बेहतर सीट लगेगी उसी पर वो एडमिशन लेंगे। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, उनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी। एमसीसी का जो च्वाइस फिलिंग का लास्ट डेट था उसी दिन काफी सारे स्टेट का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था, तो स्टूडेंट दोनों जगह चॉइस फिल करेंगे क्योंकि उनको कहीं सीट मिली नहीं है और सीट नहीं मिली है और स्टूडेंट को दोनों जगह सीट अलॉट हो गई तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी। इसलिए एमसीसी को ये डेट बढ़ानी पड़ेगी, जो एडमिशन की लास्ट डेट है डीजीएचएस को ये डेट बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो, कोई भी सीट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट ना रहे। अभी कितने सीटें वैकेंट रह सकती हैं, तो स्ट्रे वैकेंसी में 916 जो सीट आई थी उसमें मैं सोचता हूं कि ये 100 से 200 के बीच में सीटें वैकेंट रह सकती हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनमें काफी सारी सीटें वैकेंट थी और स्टूडेंट ने स्टेट में भी एडमिशन लिया है, सीट अलॉट करवाई है, तो एमसीसी का स्ट्रे छोड़ के भी वो वहां आए हैं। तो मैं सोचता हूं ये 100 से लेके 200 के बीच में सीटें आ सकती हैं एमसीसी की, और ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इतनी सारी जब सीटें आएंगी तो इसमें स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये जो डेट है एमबीबीएस की, ये एक्सटेंड करने से ही सारी सीटें फिल हो पाएंगी, क्योंकि पहले ऐसा होता है जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बिल्कुल धीरे 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 काउंसलिंग चलती है, काफी सारे स्टेट तो रजिस्ट्रेशन में ही एक्सटेंड करते रहते हैं डेट, और जब लास्ट टाइम आता है तो एक ही दिन में सारा सब कुछ होता है। अभी देखते हैं, हम हर एक स्टेट का देख लेते हैं, ये स्ट्रे आज ही के दिन कंडक्ट हो रहा है,
यानी कि जिस कैंडिडेट को, जैसे छत्तीसगढ़ का देख लें, आज ही के दिन एक ही दिन में स्टे कंप्लीट हो रहा है। जिस कैंडिडेट को कहीं से कहीं जाना है छत्तीसगढ़ में, फिजिकली उसे अलॉट करवानी है सीट, वो कब पहुंचेगा, कब उसके पास में नोटिस रहेगा, कब वो डीडी बनवाएगा, इसी प्रकार का कर्नाटका का देख लीजिए, एक ही दिन में सारा सब कुछ हो रहा है उसमें। तो ये सारा का सारा जब टाइम ही नहीं बचता है स्टूडेंट के पास में, तो इसको एक्सटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर 30 सितंबर डेडलाइन रखी गई है एमबीबीएस एडमिशन की, उसको 10 अक्टूबर रखा जाए तो क्या 10 दिन में क्या हो जाएगा? कम से कम हर एक स्टूडेंट को टाइम तो मिलेगा, सीट तो मिलेगी उसको, जो वैकेंट सीट जा रही है उनका क्या फायदा होगा? 10 दिन में क्या हो जाएगा? 10 दिन में तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इतने दिन तक ये काउंसलिंग लेट चली है, 2 महीने हो गए रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग चली है, रिजल्ट 2 महीने बाद डिक्लेयर हो गया है, एग्जाम मई में हो गई थी, उसके बाद अभी तक के जो डेडलाइन दी जा रही है उसी में एक ही दिन में सारा सब कुछ स्ट्रे वगैरह कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं एमसीसी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, डीजीएचएस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि सीटें वैकेंट ना रहे और हर एक स्टूडेंट को जो इसके लिए इलिजिबल है उनको एडमिशन मिल सके। क्योंकि जो सीट वैकेंट होके चली गई उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। एक स्टूडेंट जिसको सीट मिलनी है वो बेचारा फिर 1 साल तक मेहनत करेगा, उससे क्या फायदा होगा? कम से कम जो सीटें वैकेंट रही हैं उन सीटों पर तो स्टूडेंट को, जिनका हक है उनको एडमिशन मिलना चाहिए। और वो किस लिए? सिर्फ 10 दिन एक्सटेंड करने से, 5 दिन एक्सटेंड करने से ये सारा सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक लक्ष्मण रेखा तो नहीं खिंच गई ना कि इस डेट तक लेना ही पड़ेगा, बाद में एक प्रलय हो जाएगा कि उसके बाद एडमिशन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं सोचता हूं कि इसके बारे में विचार किया जाएगा, ये डेट एक्सटेंड होगी जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी, मेरा जहां तक सोच है, मैं जहां तक सोचता हूं कि ये डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, इतनी सारी सीटें वैकेंट होके आई हैं, तो ये डेट एक्सटेंड हुई है उसमें। डेट एक्सटेंड के साथ साथ एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाए हैं, जैसे 2021 में करवाया था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया था। तो ये ऐसा हो सकता है और ऐसा होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको बता दिया कि 100 से 200 के बीच में ये सीटें वैकेंट होके आ सकती हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है एडमिशन की। आज जिनका स्ट्रे में एडमिशन हुआ है एमसीसी के में, वो आज लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। तो कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे स्टेट में जाते हैं, तो हमारा आइडिया यही है कि 100 से 200 के बीच में एमसीसी की सीटें वैकेंट हो सकती हैं, ये हमारा अनुमान है इसमें। अब हम बात करते हैं कि अगर स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट हुआ तो ये कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो यहाँ स्टूडेंट को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय अगर 100 सीटें भी आती हैं, सीट ब्लॉक हुई हैं, तो कट ऑफ में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पर 100-200 सीटें भी वैकेंट होके आती हैं तो भी कट ऑफ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि अभी वो स्टूडेंट बचे हुए होते हैं जिनको कहीं सीट नहीं मिली, एक एक मार्क्स पर भी काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और उनको सीट मिली नहीं होती है कहीं भी, और वो इस कंडीशन में होते भी नहीं है कि प्राइवेट में एडमिशन ले सके, क्योंकि उनको तैयारी करना होता है, बॉर्डर लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो। तो ये तो संभव नहीं है कि काफी सारी डाउन चली जाएगी कट ऑफ, लेकिन इतना जरूर है कि 610 के सभी कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली थी, तो ये सीटें आने से, स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट होने से 610 वाले कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। हो सकता है 609 के भी कुछ स्टूडेंट को सीट मिल जाए, हालांकि 3-4 मार्क्स से एससी एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ में डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर कैटेगरी में ज्यादा कट ऑफ डाउन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, रीजन मैंने आपको बताई दिया है। तो देखते हैं, जैसे ही ये स्पेशल स्ट्रे का कोई भी न्यूज मिलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।